प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 16 जुलाई का होमवर्क आपके सामने लेके आ चुके हैं। कक्षा 12 विषय हिंदी का विज्ञप्ति व अधिसूचना। पहला प्रश्न है, विज्ञप्ति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर नोट करेंगे, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी भी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न नोट करेंगे, विज्ञप्ति की सूचना यदि किसी एक ही कार्यालय के कर्मचारियों को दी जानी हो तो कैसे दी जाएगी? ऐसा होने पर विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सूचनार्थ केवल उन कार्यालयों को ही प्रेषित की जाएगी। तीसरा प्रश्न है, अधिसूचना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर नोट करेंगे, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? तो राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होती है। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण गृह कार्य का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए पांचवा प्रश्न है, अधिसूचना के प्रारूप बनाइए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अधिसूचना का प्रारूप, राजपत्र का नाम जैसे राजस्थान या फिर भारतीय राजपत्र, फिर अधिसूचना का शीर्षक, स्थान का नाम एवं दिनांक नोट करेंगे। इसके बाद आपको विभाग की पत्रावली का क्रमांक, अधिनियम का नाम, धारा, उपधारा, उपबंध सहित नोट किया जाएगा। फिर अधिसूचना जारी करने में अधिकारी के पदनाम जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय आदि, या भारत सरकार, राज्य सरकार आदि, या फिर अधिसूचना की सामग्री, अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि यदि आवश्यक हो तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपको ये ब्रैकेट पूरा का पूरा यहाँ पर बंद कर देना होगा, ठीक है? चारों तरफ से बंद कर देंगे। फिर उसके नीचे आपको नोट करना है आज्ञा से अधिकारी का हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम और उसके पदनाम, साथ ही साथ यहाँ पर दिनांक भी लिखा जाएगा। इसके बाद आपको पत्र क्रमांक, प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक प्रतिलिपि निर्देशक राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशनार संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजी जाएगी। अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, पदनाम मेंशन करके आप इसका प्रारूप समाप्त करेंगे। इस तरह से 16 जुलाई कक्षा 12 विषय हिंदी का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण गृह कार्य मिल सके। जय हिंद, जय भारत।